लास्ट टाइम क्या था प्रेशर था ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चली हुई है पदार्थ के कुछ गुण होते हैं जैसे कि लिक्विड कैसी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी हाँ. करवा दिया था देखिए डेंसिटी मैंने आपको करवा दिया है डेंसिटी में मैंने आपको बताया था जगह कम घेरनी और मेटेरियल को ज्यादा करना है प्रेशर का मतलब किसी एरिया के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं प्रेशर कहते हैं इलास्टिसिटी का मतलब अपनी पोजिशन को चेंज न करना एक इलास्टिक होता है और एक इलास्टिसिटी होता है दोनों में फर्क होता है कहीं एक ही समझकर आप कई बार क्या करते हैं हम इलास्टिक सोच जाते हैं उसको इलास्टिसिटी और इलास्टिक अलग है दो चीज ठीक है आज तीन चार चीज बची हुई हैं इस टॉपिक की सभी को एक साथ ले लेता हूं मैं और एक साथ ही उनके एग्जाम्पल जो आपको करवा देता हूं स्टार्ट करें देखिए सबसे पहले अपनी एक प्रॉपर्टी बची हुई है मेनली लिक्विड की बची हुई है एक होता है सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन होता तनाव तनाव एक एक लाइन बताऊंगा आप ये मानकर चलना ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा ठीक है एक प्रॉपर्टी होती है केसिक तव तो, तो, जिसको इंग्लिश में बोलते कैपिली कैपिलरिटी का मतलब होता है केसिकताओं ठीक है लिक्विड शो करता है ये प्रॉपर्टी भी कौन शो करता है लिक्विड ही शो करता है और एक प्रॉपर्टी मैं यहीं पर लिख रहा हूं वो है भाई फ्लोटिंग फ्लोटिंग को अपन बोलते हैं पलवन मेनली यही तैरना है स्विमिंग जो होता है वो यही है फ्लोटिंग का नियम क्या होता है आर्कमिडीज का जो नियम है वो है फ्लोटिंग का नियम ठीक है तो इनको मैं एक साथ ही करवा देता हूं पहले तो मैं इनकी बिल्कुल बेसिक चीजें बताता हूं होते क्या हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसके बाद थोड़ा इसका लेवल को जो है इंक्रीज करते हुए चलेंगे ठीक है भाई सबसे पहले देखिए ये नाम कभी तो आपने सुने होंगे अरे कभी तो सुने होंगे सरफेस टेंशन क्या होता है सबसे पहले तो ये तीनों प्रॉपर्टी किसकी है भाई ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी लिक्विड की है सोलिड की नहीं है और नई गैस की है ये तीनों प्रॉपर्टी किसकी है लिक्विड की यानी कि कोई भी लिक्विड है वो एक तो प्रॉपर्टी दिखाता है सरफेस टेंशन की नाम से ही स्पष्ट है सरफेस का मतलब ऊपरी हिस्सा और टेंशन का मतलब एक तनाव मतलब ऊपरी हिस्से में एक तनाव दिखाता है कोई लिक्विड उसको अपन क्या बोलते हैं सरफेस टेंशन बोलते हैं कैपिलरिटी कैपिलिटी होता केसिकताओ हो, किसी भी द्रव का ऊपर या नीचे जाना क्या कहलाता है कैपिलरिटी कहलाता है नॉर्मली हम बचपन में एक चीज करते थे मैं आपको बताता हूँ बार बार किसी पाइप से नलकी से या पाइप से क्या करते थे पानी मुंह से खींच कर उसको मतलब बाहर निकालते थे निकालते थे या नहीं निकालते थे वही कैपिलिटी अरे वो छोटो लालटेन अब तो आपने नहीं देखी होगी ये जनरेशन लालटेन नहीं देख पाई होगी लालटेन होती थी अरे लालटेन छोटो घर में मतलब दीवा तो जलाते हो आज हनुमान जयंती है तो उस उपलक्ष्य में आप हनुमान का दीवा जला के आए होगे आप क्या करते हो जो बत्ती होती है उसको घी में डबोते हो डबोत हो नहीं डबोते हो फिर वो घी बत्ती के थ्रू क्या होता रहता है आता रहता है नहीं आता रहता है घी भी तो एक लिक्विड है मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी किसकी है लिक्विड की तो किसी भी लिक्विड की सतह का ऊपर या नीचे जाना क्या कहलाता है कैपेबलिटी कहलाता है उसके बाद तीसरा अभी फ्लोटिंग फ्लोटिंग को बेसिक नहीं करवा सकता बेसिक बताऊं तो मैं यही कह सकता हूं भी तैरना फ्लोटिंग क्या क्या कहलाता है तैरना अगर बेसिक बात बताऊं तो फ्लोट करना क्या कहलाता है किसी भी मैं लकड़ी को डालता हूं और वो पानी के ऊपर क्या करने लग जाती है फ्लोट करने लग जाती है तैरने लग जाती है ये इसका बेसिक है लेवल इसका एडवांस ही चलेगा ठीक है बिल्कुल वन लाइन में लिखना चाहो तो किसी भी द्रव के ऊपर पाया जाने वाला जो मतलब उसकी सतह के ऊपर पाया जाने वाला जो टेंशन जो होता है उसको क्या कहते हैं अभी सरफेस टेंशन कहते हैं क्या बोला है मैंने द्रव की सतह पर मिलने वाला तनाव जो होता है वो क्या कहलाता है पृष्ठीय तनाव कहलाता है अब द्रव का मतलब देखिए कोई भी लिक्विड है ये लिक्विड भरा हुआ है उस लिक्विड के केवल यहां पर यहां पर क्या मिलेगा अभी आपको तनाव मिलेगा अब आप थोड़ा साइंटिफिक जानने की कोशिश करो रीजन क्या हुआ होगा कि ऊपर तनाव मिलना होगा रीजन क्या रहा होगा कि ऊपर तनाव मिला होगा यहां से आपको दो क्वेश्चन क्लियर होंगे एक तो भी यहां के मॉलिक्यूल और यहां के मॉलिक्यूल में डिफरेंस रहा होगा मैंने आपको बताया था लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं सोलिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं पास पास होते हैं ऐसा कल बताया था मैंने तो यहां पर लिक्विड जो होता ना लिक्विड की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है मतलब नीचे तो मॉलिक्यूल मान के चलो यहां पर एक मॉलिक्यूल यहां एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां मतलब इनके अंदर गैप है ऐसे मॉलिक्यूल है लेकिन ऊपर वाले मोलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं अभी इनके अंदर गैप जो होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है कंपेयर टू वाले अब है दिखेगी नहीं इस लेयर को ही अपन क्या बोलते हैं इस लेयर को ही अपन सरफेस टेंशन बोलते हैं और वास्तव में सरफेस टेंशन किसकी वजह से हुई अणुओं की वजह से हुई ये जो मोलिक्यूल्स हैं क्या ये भी मोलिक्यूल्स है आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है सरफेस टेंशन का रीजन क्या होता है तो सरफेस टेंशन का रीजन होता है मोलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा बॉन्डिंग और वो कहां पर होती है किसी भी सरफेस के ऊपर होती है या फिर सिंपली भाषा में अगर मैं बात करूं ना गीधे दूध देख्या दूध को गर्म करना और उसकी क्या आ जाएगी मलाई आ जाएगी ये वास्तव में क्या है सरफेस टेंशन है दूध के ऊपर सरफेस टेंशन दिख जाती है लेकिन पानी के ऊपर पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर इनके ऊपर सरफेस टेंशन है नहीं दिखती है आपको नहीं दिखती वैसे होती है मेनली आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज में पानी के ऊपर दौड़ते हैं कुछ देर तक पानी के ऊपर दौड़ते हैं दौड़ते हैं नहीं दौड़ते हैं कई आपने रील वगैरह देखी होंगी तो पानी के ऊपर कैसे दौड़ लेते हैं वो पृष्ठीय तनाव का सहारा लेकर आपने कई बार देखा होगा मच्छर पानी के ऊपर बैठ जाता है कैसे बैठ जाता है वो पृष्टिय तनाव का सहारा लेकर एक पतली सुई आप किसके ऊपर घेर दो पानी के ऊपर वो अंदर नहीं डूबेगी क्यों क्योंकि उसके ऊपर पानी के ऊपर क्या है पृष्ठीय तनाव ये सारे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्या बता रहा हूं मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं लेकिन मेरा करवाने का तरीका थोड़ा अलग है देखो अगर मैं यही क्वेश्चन अब आपसे ये पूछूं कि मच्छर जो होते हैं वो पानी के ऊपर लार्वा को जन्म देते हैं यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं पानी के ऊपर या पानी के ऊपर क्या करते हैं बैठते हैं इसका रीजन क्या है तो आपको आंसर क्या करना है सरफेस टेंशन एक पतली सुई पानी के ऊपर तैरती है तो इसका रीजन क्या है सरफेस टेंशन बस यही पूछेगा आपसे ऑप्शन दे देगा फिर उसका ऑप्शन ये है ये है ये है तो उसका आंसर क्या आएगा सरफेस टेंशन ये तो मैं बेसिक बता रहा हूं बिल्कुल अब थोड़ा हा अच्छे लेवल के ऊपर लेकर चलता हूं मैं कि सरफेस टेंशन को कम कैसे करेंगे सरफेस टेंशन को ज्यादा कैसे करेंगे अब आप कहोगे कि सर सरफेस टेंशन को कम क्यों करना है और ज्यादा क्यों करना है अभी ज्यादा का भी रोल है और कम का भी रोल है मेनली तो आपको कम ही करना है सरफेस टेंशन को क्योंकि भाई लिक्विड की ये वाली प्रॉपर्टी जो ना ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाती है जैसे कि आपने देखा होगा जवार भट्ठे उठते हैं लहरें उठती हैं समुद्र की लहरें देखी होंगी खतरनाक ही होती हूँ किस लिए उठती हूँ वो कैसे उठ जाता पानी ऐसे कैसे उठ जाता है मतलब पानी के ऊपर क्या है कि टेंशन है है या नहीं तो या है तो ज्वार भट्टे या लहरें क्या हैं खतरनाक हमारे लिए सेम ऐसे ही पानी के ऊपर ये पानी के ऊपर क्या है ये पानी के ऊपर एक टेंशन है इसके ऊपर मच्छर क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं मलेरिया फैलेगा फैलेगा या नहीं फैलेगा मतलब इसको क्या करना हमें कम करना है क्या करना है कम करना सरफेस टेंशन को ज्यादा नहीं रखना है ज्यादा रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी अब देखो आप नॉर्मली गर्म सूप पी लेते हो लेकिन ठंडा सूप नहीं पिया जाएगा रीजन ठंडे सूप का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा वो जीप के अंदर एब्जॉर्व नहीं होगा और गर्म चीज का सरफेस टेंशन क्या होगी कम होगी वो ईजिली क्या हो जाएगा अभी के ऊपर एब्जोर्व हो जाएगा बोलो हाँ ना। अब मैं इसके अंदर कम करने के तरीके बताता हूं कैसे कैसे कम किया जा सकता है क्योंकि मेरे को क्या करनी है सरफेस टेंशन को क्या करना अभी कम लिख लेना ये सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे मैं सारे के सारे क्वेश्चन ही करवा दूंगा डायरेक्ट ठीक है कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बता दूंगा ठीक है पहला तरीका फर्स्ट तरीका किरोसिन ऑयल डालकर अगर पानी के ऊपर आप किरोसिन ऑयल डाल दोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि जब मलेरिया डेंगू फैलता है तो पानी जो स्वास्थ्य विभाग वाले कर्मी जो होते हैं वो पानी के ऊपर क्या किसका छिड़काव करते हैं किरोसिन के तेल का क्यों सरफेस टेंशन को कम करने के लिए क्योंकि अगर सरफेस टेंशन कम होगा तो वो जो मच्छर जो पानी के ऊपर तैरता है वो डूब के क्या हो जाएगा मर जाएगा भाई सिंपल सी बात ऐसा ही तो होगा ठीक है तो भाई डाल देना सरफेस टेंशन कम हो जाएगा क्या मैं भाई यहां पर देखो ये मलाई लिखी हुई है यहीं से मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है अगर मैं दूध को गर्म कर देता हूं तो ये मलाई मड़ाई चली जाएगी खत्म हो जाएगी या ना क्या मैं कह सकता हूं तापमान बढ़ाने पर सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है अरे भाई इंक्रीज द टेम्परेचर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी चलिएगा तीसरा क्या मैं कह सकता हूं डिटर्जेंट डालने पर सर्फ वगैरह जो आप कपड़े धोते हो तो क्या कम हो जाती है सरफेस्टेंस अब आपको मन में क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सर हम पानी में डिटर्जेंट क्यों डालते हैं साइंटिफिक रीजन बताओ पानी में डिटर्जेंट क्यों डालते हो सभी कपड़े धोते हो अरे धोते हो क्यों डालते हो भाई पानी में डिटर्जेंट क्यों फिर सरफेस टेंशन कटेगी तो क्या हो जाएगा अरे बढ़ेगी नहीं ये तो मैं सारा कम करने वाला बता रहा हूं बढ़ेगी नहीं कम होगी सरफेस टेंशन अरे भाई देखो पानी की सरफेस टेंशन कम होगी तो ही तो कपड़े में इजीली जाएगा पानी अगर उसके ऊपर टेंशन होगी तो वो क्या करेगा विरोध करेगा वो पानी के अंदर जा... मतलब कपड़े के अंदर जाएगा ही नहीं और कपड़े में नहीं जाएगा तो मैल नहीं कटेगा बोलो हाँ ना पानी के अंदर हम डिटर्जेंट क्यों डालते हैं ताकि पानी की सरफेस टेंशन क्या हो जाए कम हो जाए और पानी की सरफेस टेंशन अगर कम हो गई तो क्या होगा भाई तो इजिली क्या हो जाएगा भाई समझ रहे हो ना पानी उसके अंदर चला जाएगा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना ठीक है इनके एग्जाम्पल में सभी के एक साथ लेके आऊंगा मैं केवल इनकी बातें बातें बता रहा हूं एग्जाम्पल सभी के एक साथ लेके आऊंगा ताकि आप कंफ्यूज मतलब कंफ्यूजन आपके बने है। ठीक है या तो आप सिंपल बता दोगे मैं आपसे पूछूं आप क्वेश्चन बताओ भाई उसका मतलब क्या आप आपको पता मास्टर ने तो सरफेस्ट आंसर करवाइए ये भी आंसर है बोलो आया ना लेकिन मैं जैसे ही ये तीनों करवा दूंगा फिर आपके मन में ये आएगा सर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है वैसे ऐसे समझोगे तो आपको कन्फ्यूजन कभी भी नहीं आएगी समझना है रटना नहीं है क्या करना है समझना या रटना नहीं है सरफेस टेंशन की अगर आप यूनिट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो मैं आपको पहले लेक्चर में सबसे पहले आपको यूनिट एंड डायमेंशन निकालनी सिखाई थी और मैंने आपको यही बात बताई थी कि हर चैप्टर में यह चैप्टर काम आएगा पहला चैप्टर हर चैप्टर में काम आएगा सरफेस टेंशन क्या होता है सरफेस टेंशन किसी भी सरफेस के ऊपर टेंशन यानी कि सरफेस के ऊपर फोर्स और उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग क्या मैं कह सकता हूं सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स अपॉन लेंथ होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है अरे यही तो सरफेस टेंशन है इसको मैं थोड़ा इक्वेशनल फॉर्म में लेके जा रहा हूं ताकि मेरे को यहां पर दो चीज मिले एक तो डायमेंशनल मिल जाए और एक इसकी यूनिट मिल जाए फिर मैं कह रहा हूं एक डायमेंशन मिल जाए और एक क्या मिल जाए यूनिट मिल जाए फोर्स अपॉन लेंथ अब मैं थोड़ा यहां पर लिख रहा हूं फोर्स बाय लेंथ फोर्स क्या था मास इनटू एक्सलेशन किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स यही तो था फोर्स जिसको पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, हो सकता है वाली चीज आपको समझ में ना आए आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप ऐप के अंदर जाकर वापिस वो क्लास देख सकते हो ठीक है और मैंने कहा था पूरी फिजिक्स में पहला चैप्टर काम आने वाला है ठीक है लेंथ क्या होती है मीटर यहां पर मीटर से मीटर ज्यादा दिख रहा है आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्या क्या बचा केवल किलोग्राम सेकेंड इनवर्स ये तो होगी इसकी यूनिट ये क्या होगी इसकी यूनिट मैंने आपको एक बात बताई थी यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला एक भी नहीं रटोगे क्योंकि सारी यूनिट सेम दिखेंगे आपको और सारे डायमेंशनल फार्मूले क्या दिखेंगे सेम कर ही नहीं पाओगे आप कभी भी ठीक है डायमेंशनल बना दो इसका एमएलटी लगाओ मास दिख रहा है किलोग्राम है लेंथ दिख रहा है लेंथ होता तो मीटर होता लेकिन मीटर तो कट चुका जीरो टी दिख रहा है माइनस टू एम वन एल जीरो माइनस टू इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन ठीक है इसको नहीं आता वो डायरेक्ट रट लेना ठीक है यही दो ही तरीके होते हैं भाई या तो आप रट लो या फिर समझ लो मैं दोनों तरीके आपको करवाता हूं पहले समझाता हूं उसके बाद आप रट लेना अब ये मैंने समझा दिया है रटने वाला काम आपको क्वेश्चन दूंगा रट लेना उन क्वेश्चन का आंसर क्या है सरफेस टेंशन है दो ही तरीके हो सकते हैं बोलो या ना चले आगे अब एक मिनट के लिए कैपिलरिटी के ऊपर चल पड़ते हैं फिर कैप फ्लोटिंग कर लेते हैं फिर तीनों के एग्जाम्पल एक, एक साथ ले लेंगे ठीक है भाई चलिएगा इसको मैं हटा देता हूं एक मिनट के लिए चलिएगा क्या बताया मैंने कैपिलरिटी क्या होती है तो द्रव की सतह का द्रव की सतह का ऊपर या नीचे जाना ऊपर या नीचे जाना क्या कहलाता है कैपिलरिटी क्या है अरे हाँ या ना भाई द्रव की इसमें कुछ नहीं करना इससे ज्यादा इससे अच्छी डेफिनेशन कुछ नहीं हो सकती इससे ज्यादा और इससे अच्छी डेफिनेशन कुछ नहीं होती हाँ इसमें एक बर्नोली थ्योरम लग जाएगी बर्नोली थ्योरम को मैं थोड़ा बाद में करवा दूंगा क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा ठीक है भाई क्योंकि द्रव जब एक दिशा में एक नो टेम्परेचर नो प्रेशर जाता है तो उसका जो मतलब एनर्जी जो होती है वो क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है वो वाला कंसेप्ट मैं बाद में करवा दूंगा एक मिनट यहाँ देखना के सिकता तो क्या होता है द्रव की सतह का ऊपर या नीचे जाना अगर आपको कहीं पर भी द्रव की सतह ऊपर नीचे जाती हुई दिख रही है यानी कि वहां पर क्या बनी हुई है कैपिलिटी बनी हुई है क्या बनी हुई है कैपिलिटी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लालटेन में तेल का ऊपर जाना लालटेन में तेल का ऊपर जाना वैसे एग्जाम्पल मैं बाद में लूंगा लालटेन आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा लालटेन जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है फिजिक्स की कौन सी फेनोमिना जो है वो लालटेन में काम आती है तो कौन सी फेनोमिना काम आ रही है कौन सी कैपेबिलिटी चलो मैं एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन देता हूं ताकि आपको ये कैपेिलिटी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए बेटा तो एक बात याद रखना कैपेिलिटी बनानी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी अगर आप बनाते नहीं हो उसे तो कैपेिलिटी ऑटोमेटिक नहीं बनेगी मैंने क्या कहा मैंने ये कहा कि ये धरो और ये धरो ये बीच में कैपेिलिटी जब बनेगी जब आप यहां बीच में भी क्या ले आओगे धरो को ले आओगे एक नलकी है नलकी में यहां से मुंह लगाते हो और उप... पीछे पानी है कैपेलिटी कब बनेगी जब पूरी नल की पानी से भर जाएगी फिर सुनना कैपिलरिटी आपको बनानी पड़ेगी मेनली आपने देखा होगा खेतों में सूंडिया डालते हैं नहरों से तो उस बच्चे को तो कैपिलरिटी बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि वो नहर में से पानी किस में लगाते हैं खेत में कैसे आ जाता वो पाइप के थ्रू पानी सोचा कभी मैंने आपको एक बात कही थी पूरी फिजिक्स आपके चारों तरफ है बट उसको साइंटिफिक तरीके से कैसे जानना ये चीज आपको सीखनी है बस ठीक है रटना नहीं है किसी भी चीज को अब तो देखो खेतों के लिए एक एग्जांपल देता हूं ये जो एसएससी का जो है मन पसंदीदार क्वेश्चन है और इसमें लगभग सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसान जो है बारिश के बाद खेतों को जोत छोड़ देते हैं सिंपल बात है ये फिजिक्स के किस फिन पर कार्य करता है आप सोचोगे कि, कि सर हम सोच नहीं सकते इस चीज को कहा ना सब चीजों को जोड़ना पड़ेगा हर चीज के साथ खेत देखो बारिश हुई ये खेत है मान के चलो खेत है बारिश हुई तो पानी की पानी जो होगा कहां पर पहुंच गया यहां तक पहुंच गया जमीन के अंदर नीचे भी क्या है पानी है यानी कि क्या मिल गया सिरा मिल गया उसको कहते हैं नॉर्मली आल खेतों में किसान कहते हैं कि आल दाब दी ठीक है अब एक बात बताओ बेटा ये कैपेबिलिटी जैसे ही बारिश होगी तो कैपेबिलिटी बन जाएगी क्योंकि नीचे पानी था ऊपर भी पानी क्या बन गई कैपिलिटी बन गई नीचे आल थी ऊपर बारिश का पानी अब बढ़ गई कैपेबिलिटी कैपिलिटी बन गई तो पानी आएगा आएगा ऊपर ऊपर कौन है सूर्य सन अब उस पानी को क्या कर देगा सौ लेगा इसका मतलब जमीन क्या हो जाएगी बंजर होगी या नहीं होगी अरे हाँ या ना भाई अगर जमीन का पानी खत्म हो गया तो बंजर हो जाएगी अब इसको क्या करते हम नॉर्मली देखा होगा बारिश हुई बारिश होते के साथ कुछ बोना है कि ना बोना है इस बात किसानों को पता नहीं है फेनोमिना का नहीं पता उनको कि फिजिक्स की कौन सी फेनोमिना हो रही है बस उनको एक चीज पता है कि हम आदम जमाने से करते आ रहे हैं कि बारिश होते ही आल दाब दो क्या दाब दो लेकिन वो आल दाब का मतलब क्या है इस कैपिलिटी को तोड़ देना है इस कैपिलिटी को तोड़ देना नहीं तो कैपिलिटी बनी रही तो पानी खत्म हो जाएगा भाई और पानी बिना तो फसल ही नहीं होगी बोलो हाँ ना इससे बेस्ट आप कैपिलरिटी को नहीं समझ सकते किसान वाले एग्जाम्पल से बेस्ट तरीके से आप कैपिलरिटी को नहीं समझ सकते बोलो हाँ ना कैपिलिटी में कोई प्रॉब्लम अरे कोई प्रॉब्लम है क्या अरे मैं सिंपल एक बात कहता हूं यार पानी पड़ा हुआ है यहां पर पानी के ऊपर मैं कपड़ा डाल देता हूं अब वो कपड़ा पानी को कैसे सोख लेगा कैसे सोकेगा भाई कैपिलिटी से ही सौकेगा किसे सोकेगा स्याही स्याही है देखा होगा आपने स्याही शोक क्या करता है स्याही को शोक लेता है कैसे कैपेबिलिटी से सोखता है बोलो है ना तो कैपेबिलिटी में इससे ज्यादा आपको करने की कुछ भी जरूरत है नहीं है एक मिनट के लिए फ्लोटिंग पे आ जाना फिर तीनों के एग्जाम्पल एक साथ लगा देंगे अपन फ्लोटिंग क्या है मैंने आपको कहा भी तैरना जो होता है वो फ्लोटिंग कहलाता है नहीं भाई इसके पीछे थोड़ा हा, मैं पूरी डिटेल बताता हूं आपको बेसिक तो बता दिया तैरना लेकिन तैरते कैसे हैं तैरते कैसे है वो सुनना देखिए फ्लोटिंग के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्कमिडीज नाम तो सुना ही होगा और फ्लोटिंग को लेकर आर्कमिडीज ने नियम दिए भाई क्या दिए नियम दिए और आर्कमीडीज के नियम कितने थे तीन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्लोटिंग के नियम किसने दिए आर्कमिडीज ने, ने। तैरने के नियम किसने दिए आर्कमिडीज ने कितने नियम थे तीन नियम तीन नियम को समझने से पहले एक बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताता हूं मैं आपको जैसे कि ये लिक्विड है पानी है पानी में कोई भी वस्तु कैसे तैरेगी ये मान के चलो ये एक लकड़ी की टुकड़ा है या ये कुछ भी चीज है और इसका वेट जो हो क्या है डब्लू है इसका वेट क्या है डब्लू है अब क्या होता है आपको सुनकर थोड़ा अचंबित लगेगा कि ये ये चीज तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी और वाटर जो होता है ना पानी के पास भी एक फोर्स होता है जिसको बोलते बॉय फोर्स क्या बोलते हैं बॉन्ड फोर्स बी एफ मैं यहां पर लिख देता हूं बॉन्ड फोर्स उत्तपल्लो बल फोर्स जो होता है वो लगता है कहां पर ऊपर की तरफ तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है पानी द्वारा ऊपर की तरफ या सतह की तरफ लगने वाला बल क्या कहलाता है तो बॉइंट फोर्स कहलाता है कौन सा फोर्स कहलाता है बॉइंट इसकी स्पेलिंग देख लेना भाई बॉइंट फोर्स ठीक है बॉइंट फोर्स जो होता है वो कहलाता है कौन सा भी उत्पल बल ऊपर की तरफ लगने वाला बल पानी की सतह द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाला बल क्या कहलाता है बॉइंट फोर्स कहलाता है क्लियर भाई एक फोर्स ये लगेगा एक फोर्स ये लगेगा तुम खुद बताओ भाई वस्तु कब तैरेगी वस्तु कब तैरेगी अब मैं तीन नियम बताता हूं पहला नियम दूसरा नियम और ये यहां पर लिख देता हूं मैं कौन सा नियम तीसरा नियम पहले नियम में मैं क्या करता हूं W को ज्यादा कर ये बियॉन्ड फोर्स की वैल्यू मान ली मैंने W1 W1 क्या मान ली भाई पानी लगने वाला बल की वैल्यू क्या मान ली W1 ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है मैं कहता हूं कि इस W को जो है ना मैं W1 से क्या कर देता हूं ज्यादा कर देता हूं किसका फोर्स ज्यादा हो गया वस्तु का फोर्स ज्यादा हो गया किससे पानी के फोर्स क्या होगा अब ज्यादा वाली चीज कहां जाएगी तो क्या मैं लिख सकता हूं पूर्णतः डूब जाएगी कंप्लीटली नीचे आ जाएगी यहां पर पूर्णतः डूब जाएगी भाई सबमरीन इन सिद्धांतों पर कार्य करेगी देखिए मैं बताऊंगा आपको उसके बाद सुनना दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी W बराबर हो जाएगा किसके बियॉन्ड फोर्स और जो ऑब्जेक्ट द्वारा लगने वाला फोर्स दोनों क्या हो गए तो वस्तु क्या करेगी क्या करेगी भाई बीचो बीच तैरेगी अब आप कहोगे सर तैरेगी नहीं बीच में सिंक करेगी बीच में रहेगी तैरना मतलब ऊपर सरफेस पर आप सोचते हो तैरने का मतलब ऊपर ही होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग बीच में भी तैरना ही होता है अगर नीचे चली गई तो वस्तु डूब गई बीच में रहेगी तो भी तैर गई ठीक है आप सिंक कह सकते हो कुछ भी कह सकते हो इसको ठीक है तो मैंने लिख दिया बीचो बीच क्या क्या करेगी तैरेगी अब W1 को मैं कर कर देता हूं? कर देता हूं हूं W से ज्यादा ये तीसरा नियम सुनना भी सबसे इंपॉर्टेंट नियम यही है कैसे ज्यादा होगा आपका मन में क्वेश्चन भी आएगा ये मैं वो भी आपको क्लियर करूंगा डब्ल्यू क्या हो गया डब्लू से ज्यादा अब वस्तु क्या करेगी ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया किससे इससे तो वस्तु क्या करेगी और यही किसका नियम भी आर्कमिडीज का तीसरा नियम ही किसका नियम भी तैरने का नियम है आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तैरने का नियम कौन सा है आर्कमिडीज़ के तीनों नियम तैरने के हैं लेकिन आप जो तैरना सोचते हो वो नियम कौन सा भी? तीसरा इसमें डुबेगी इसमें बीच में रहेगी इसमें कई बार क्वेश्चन आता सबमरीन सुनते हो गए सब मरीन तो जिसको आप बोलते हो पनडुबी पानी के नीचे चलती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है तो आर्कमेडीज के तीन नोलो पर कार्य करती है सबमरीन में क्या होता है जैसे ये सबमरीन है सबमरीन में पीछे जो होता है एक वाटर टैंक होता है क्या होता है अभी वाटर टैंक होता है अब वाटर टैंक के थ्रू क्या होता है अगर इसको ऊपर जाना है तो पानी को निकाल देंगे नीचे जाना है तो पानी इसके अंदर भर जाएगा बीच में जाना है तो पानी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा मतलब ऊपर नीचे किस लेवल के थ्रू पानी के लेवल के थ्रू मतलब इस फोर्स को ज्यादा करते जाएंगे तो ये नीचे जाता जाएगा इस फोर्स को कम करते जाएंगे सबमरीन कहां जाती जाएगी ऊपर जाती जाएगी बोलो हाँ इससे बेसिक कुछ चीज नहीं हो सकती क्वेश्चन मैं करवाऊंगा टेंशन मतलब पहले आप बेसिक्स को समझो तो सबमरीन किस पर काम करेगी आर्कमेडीज तैरेंगे भी कैसे आर्कमेडीज इन दोनों नियमों को तो भूल जाओ भाई ठीक है जी डूब जाएगी वस्तु डूब भी जाती है बीच में भी तैर जाएगी लेकिन ये तैरेगी कैसे ऊपर कैसे आएगी ये बियॉन्ड फोर्स ज्यादा कैसे हो जाएगा मैं कैसे तैर पाऊंगा इसके पीछे एक थ्योरी है भाई जिसको बोलते तैरने का नियम ये तो तैरने का नियम है ही इसके साथ मैं तैरने का नियम में एक चीज और ऐड कर देता हूं तैरने का नियम क्योंकि आर्कमिडीज ने ये जो तीसरा नियम जो था इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कोई वस्तु कैसे तैर जाएगी ये डब्लू वन ज्यादा कैसे हो जाएगा डब्लू से मैं क्या कह रहा हूं डब्लू वन ज्यादा किससे हो जाएगा डब्लू से कैसे हो जाएगा मैं शायद आपको करवा चुका हूं याद करो क्या बताया था फिफ्टी फिफ्टी बताया था या नहीं बताया था कोई भी वस्तु कब तैरेगी जब वो फिफ्टी फिफ्टी हो जाएगी क्या हो जाएगी फिफ्टी फिफ्टी अब फिफ्टी फिफ्टी का मतलब क्या देखो सुनना मेरी बात ये पानी है वाटर है इस वाटर में कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया तो लकड़ी का टुकड़ा जब आप डालोगे तो आधा अंदर आधा बार आधा अंदर आधा बार पचास बार पचास अंदर वस्तु तैरेगी अब आप कहोगे सर हम तो नहीं होते ऐसे लकड़ी तो हो जाती है पचास बार और पचास अंदर एक्सपर्ट जो होते जो स्विमर होते तैराक जिनको बोलते हैं वो तो हो जाते हैं लेकिन अपन के अंदर ये फिफ्टी फिफ्टी कैसे करेंगे अपन तो मैंने दूसरा नियम आपको यही बताया था या फिर कोई वस्तु अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी को हटा दे अपने वेट के अकॉर्डिंग वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा हटाया पानी बराबर हो किसके वस्तु के बार के तो भी वस्तु क्या करेगी भाई तैरेगी ये फिफ्टी फिफ्टी हो जाएगा फिर मेरे अंदर अस्सी के जी वेट है अगर मैं अस्सी के जी पानी को हटा देता हूं मेरे आयतन के बराबर मेनली आयतन से डिनोट करते हैं हम वॉल्यूम से डिनोट करते हैं फिजिक्स में लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बाहर ही बता रहा हूं मेरे अंदर वेट आए तो नहीं बोल देता हूं अस्सी के जी है अब मैं इतना ही पानी को हटा दूं अब आप कहोगे सर हम तो हाथों से तैरते हैं इतना तो पानी नहीं हट पाएगा लेकिन हम कुछ अंदर भी तो हैं अरे कुछ अंदर भी तो हैं पानी के अंदर है पानी में कैसे तैरेंगे सिंपल सी बात है तैरना किस किस को आता है स्विमिंग लकड़ियों में सारी डूबे हैं अरे सीख लो भाई आज का टाइम पर तो सब बराबरी कर रहे हैं ठीक है जरूर आना चाहिए भाई में एक दुआ ना बस आया करते तो जिसको तैरना आता है उसको भी नहीं पता वास्तव में मैं कैसे तैरता हूं मैं ये भी कहना चाह रहा था पता था तेरे को ऐसे तैरता हूं मैं ठीक है तो ऐसे ही तैरता है तू कैसे तैरता है ऐसे तैरता या तक किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो फ्लोटिंग के नियम में आप मेरे को बता सकते हो अब मैं तीनों के एग्जाम्पल जो है एक साथ यहाँ पर लगा देता हूं लगाऊ भाई करता हूँ चलो इसको डाउनलोड किए थे क्या एग्जाम्पल एक, एक मिनट देख लेते हैं इसमें है क्या अरे कौन सी खुल रही है भाई है डाउनलोड्स में शायद यार इसमें किया तो था एक मिनट रुको भाई आया नहीं गए हैं वेट करूं इंतजार का समय है तो को नहीं हो गया चलो अभी बार बार चेंज कैसे हो रहे हैं हम्म चलो सबसे पहले ये लेता हूं मैं शायद आपको समझ में आ रही होंगे ये एग्जाम्पल किसके हैं बट मैं आपसे रीजन पूछना चाहूंगा इन एग्जाम्पल्स का रीजन पूछना चाहूंगा रीजन क्या है आंसर तो सभी का एक है क्योंकि ये सभी एक के एग्जाम्पल है दूसरा और लगा देता हूं अरे ये सेम आ गया क्या ये देखना किसके एग्जाम्पल हैं ठीक है लिख भी लेना अगर आप लिखना चाहो तो वैसे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं भाई इतने आसान चीजें हैं इनको बताने की जरूरत नहीं है ये देख लेना किसके एग्ज़ाम्पल हैं है? अच्छा बच तो उसी की पाऊंगे हैं तेरे को चलाने के लिए मैंने ये डाल लिया है ठीक है चलो भाई ठीक है देखो सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से करवा चुका हूं आपको मेरे हिसाब से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन ऐसे आएगा वर्षा की बूंद का कार जो है वो गोल दिखाई देता है इसका रीजन क्या है तो भाई वर्षा की बूंद गोल क्यों हो जाती है क्योंकि वो अपनी सरफेस को क्या करने की कोशिश करेगी टेंस करने की कोशिश करेगी तो सरफेस टेंशन उदाहरण होगा इसका ठीक है उसके बाद पतली सुई ये पहला है ये दूसरा है पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर तैरती है ठीक है ये देखो ये तीसरा गर्म खाने वाला गर्म खाना या सूप स्वादिष्ट लगता है इसमें तो क्योंकि दे रखा है ठीक है क्वेश्चन यहीं तक है बस उसके बाद जल में साबुन और डिटर्जेंट मिलाने पर क्वेश्चन यहीं पर है यहीं तक बस उसके बाद आपकी सरफेस टेंशन काम करेगी साबुन के गोल में बुलबुले बड़े इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जल में साबुन गोलने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है कम हो जाता है पृष्ठ तनाव कम होगा तो अपने आप खुलेगा अरे खुलेगा या नहीं गिगा अगर पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा तो वो बंद होके रहेगा ठीक है इधर देखना भाई, ये किसके की, लाल की लालटेन और बत्ती से पानी ऊपर मतलब जाता है धरती से सारी चीजें जाती हैं उसका फिजिक्स में उदाहरण कौन है कैपेबिलिटी बायोलॉजी में बायोलॉजी में कैसे जाता है जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से मे भी नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं एक होता जाइलम एक होता फ्लोइम ये दो टिश्यू होते हैं उत्तक होते हैं जाइलम से जल यानी कि पानी ऊपर जाता है फ्लोइम यानी फै से फल फल यानी कि भोजन ऊपर जाता है खनिज लवण ऊपर जाते हैं ठीक है ये बिल्कुल ईजी है उसके बाद ये देखो मिट्टी से बनी केस नलिकाएं टूट जाती हैं और पानी नीचे से ऊपर नहीं आ पाता रीजन भाई मैंने आपको बताया था कैपेलिटी टूट गई ठीक है पानी का नवचंद्रक मिनी जोस्केस जो है वो अवतल लेंस वो पारे का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है इसका रीजन भी कौन होता है आपका कैपिलरिटी होता है इसको देख लेना अच्छे से ठीक है ये वाला मैं करवा चुका हूं बारी बोझ प्रेशर प्रेशर क्या बताया था फोर्स एरिया इसको कम करना है इसको क्या करना है कम करना है एरिया को एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेसर है? कम एरिया कम हुआ तो प्रेशर है ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये सारा मैं करवा चुका हूं आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर भी आपको करवा चुका हूं करवा हूँ या नहीं करवा चुका चले आगे चलो फ्लोटिंग वाले उदाहरण बताने की आपको जरूरत नहीं है तैरने वैरने वाले ठीक है सारी चीजें जो है एक सी हैं कुछ क्वेश्चन है जो एस के मैं डाल के लाया था मतलब लिख रखे थे वो राइटिंग तो शायद आपको समझ में आ जाएगी एक मिनट रुकना भाई इसी में मिलेंगे ये <coughs> इतनी हम्म ठीक है देखना भाई इनको देखना आप सारे के सारे वो क्वेश्चन है ण तो दे नहीं रिपीट नहीं होंगे ये ये क्वेश्चन मतलब थोड़े पहले तो ये बताओ ये दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे चलो मैं देख लेता हूं पढ़े देता हूं आपको समझ में आ जाएगा बारी बोझ डोने वाले ट्रकों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं ये क्वेश्चन यहां पर भी रिपीट हो चुका है ये बार बार क्वेश्चन आता है ठीक है इसमें मैंने पूरी एप्लीकेशन डाल रखी है एक बार दस की पावर पांच पास्कल के बराबर होती है यह चीज मैं आपको करवा चुका हूं दूसरा देखना कुंद चाकू से किसी वस्तु को काटना क्या हो जाता है कठिन कुंद का मतलब जिसको अपन खुंडा कह आगरा ठीक है पहनना नहीं है मतलब तो कुंद चाकू से जो जो होता है किसी वस्तु को क्यों काटना कठिन हो जाता है क्योंकि उसका एरिया बढ़ जाता है एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा एक मनुष्य का बारह अस्सी के जी है जल्दी निकालो भी पैरों का क्षेत्रफल जीरो पॉइंट जीरो चार मीटर स्केयर है मनुष्य के खड़े होने पर पैरों द्वारा भूमि पर पड़ने वाला दाब कितना होगा जल्दी निकालो भाई जल्दी कैलकुलेट करो भाई आपके लिए है ये क्वेश्चन क्या दे रखा है वेट दे रखा है अस्सी के जी ठीक है एरिया दे रखा है जीरो पॉइंट जीरो चार मीटर स्केयर और निकालना क्या है प्रेशर देखता हूं कितने दिमाग मतलब लगा रहे हो आप आपको एक कंसेप्ट सिखाया था मैंने फिजिक्स का वेट वाला मैंने तीन चीजों को एक साथ किया था किस किस को ग्रेविटी किसके बराबर होती है किसके बराबर होती है वेट के बराबर और फोर्स भी किसके बराबर होता है वेट चीज़ आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी मैंने आपको यह बताया था और आपको समझाया भी था कैसी ये तीनों चीजें बराबर होती हैं अरे बताया था नहीं बताया था भाई कोई भी चीज फोर्स है फोर्स लग रहा है इस चीज के ऊपर मतलब फोर्स लग रहा है मतलब क्या हो रहा है वेट लग रहा है भाई किसी चीज पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका मतलब यह भी तो कह सकता हूं उसके ऊपर वेट लगा रहा हूं और कोई चीज वेट है इसका मतलब वो ग्रेविटी भी है किसकी वजह से है वो नीचे की वजह से तो जी बराबर है W बराबर है एफ ये बात मैंने आपको करवाई थी जब मैं आपको पिछला ग्रेविटी वाला चैप्टर करवा रहा था तो यहां पर आप देख रहे हो कि सर, F नहीं है, F होता तो हम पी बराबर फोर्स अपॉन एरिया कर देते लेकिन ये W किसके बराबर होगा तो ठोक डालो अस्सी बाई जीरो पॉइंट फोर इंटू में हंड्रेड कर दो चार दुणी आठ यानी कि दो गुणा में दस की पावर तीन, पास्कल पी ए, आंसर हो जाएगा भाई <coughs> ये चीज किसको समझ में नहीं आई भाई ये मैंने जीरो दस की पावर तीन क्यों कर दिया आगे होगी हाँ ये दो जीरो और एक जीरो ये तीन जीरो दस की पावर कितनी तीन उसके बाद देखना दाब बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप सोच के देखो भाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिस पर कोई वस्तु क्या हो जाती है बॉयल हो जाती है यानी कि लिक्विड से गैस में चली जाती है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बीपी का मतलब क्या होता है वो टेम्परेचर जिस पर कोई वस्तु कहां से लिक्विड से किस पोजीशन में चली जाती है गैस जिसको नॉर्मल भाषा में आप उबलना कहते हो वो टेम्परेचर बीपी कहलाता है अब भाई सिंपल सी बात है किसी चीज के ऊपर प्रेशर डाल लाएंगे आप तो आप जल्दी जा पाओगी लिक्विड तो गैस में जा पाओगी नहीं जा गैस जाओगी लिक्विड में कन्वर्ट होती होगी तो वो क्या हो जाएगा अभी बढ़ जाएगा ठीक है प्रेशर कुकर में खाना सी पक जाता है रीजन तो दाब बढ़ने पर भाई प्रेशर कुकर में क्या बढ़ता है प्रेशर प्रेशर नाम ही कुकर। तो तो स्पष्ट है कुकर दाब बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा बोलो या हाँ ना उसके बाद हिमखंड ऊपर से न पिंगल नीचे से पिंगलते हैं ये भी कंसेप्ट मैं आपको करवा चुका हूं प्रेशर वाला कि नीचे दाब क्या होता है अधिक होता है करवायाता है नहीं करवाया था ठीक है ऊपर वो नीचे दोनों करवाया था ये मैंने वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन टैम पैन से जो है स्याही निकलने लग जाती है रीजन ऊपर क्या हो जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर कम मैंने बताया था ना भाई ऐसे एरो मारो ये सरफेस है ऊपर जाओगे तो कम नीचे आओगे तो अधिक अरे कितने अच्छे से तो समझाया था ये अब भी नहीं समझ में आता तो आएगा भी नहीं गारंटी है हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को यह भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था भाई सिंपल सी बात है मेरा प्रेशर ज्यादा है और ऊपर जाऊं प्रेशर कम हो जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा कम मेरा ज्यादा ऊपर का कम अब ब्लड क्या करेगा बाहर आएगा बोलो आया ना नाकों में से या मुंह में से खून आने लग जाएगा इसलिए उस यात्री को कह दिया जाता भाई तू नीचा ही के करेगा पहाड़ पुड़ा मर जाएगा ठीक है द्रव के ऊपरी तल पर दाब ये बहुत अच्छा है द्रोह के ऊपरी तल पर दाब कितना होता है जो लिक्विड जो होता है उस तल पर दाब कितना होता है आंसर आपको दिख रहा है सुनने अभी अभी मैंने बताया अरे प्रेशर तो होता ही नहीं उसके ऊपर तो एक अलग ही फेनोमिना होती है कौन होती है सरफेस टेंशन होती है अरे तो तुम क्यों मतलब जो चीज कर ली उसको भी गलत कर रहे हो ये वो क्वेश्चन है जो थोड़े अलग दिख रहे हैं एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों तरफ एक ही गहराई पर अलग गहराई पर नीचे वाला ज्यादा कल करवाया था मैंने दरो चलित मशीने हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं किस नियम पर आधारित है पास्कल के नियम पर हाइड्रोमीटर किस दांत पर है पास्कल के देखिए देखिए पलवन तैरने के सिद्धांत के ऊपर देखो क्या क्या चीज काम करती है आर्कमेडीज ने दिया था यो ठीक है दुग्ध मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है लैक्टोमीटर, सोच के देखो एक भाई लैक्टोमीटर कैसे काम करेगा पहले तो ये बताओ दुग्ध मापी करता है क्या है दूध में पानी की मात्रा को मापता है इस बात का तो सभी को पता होगा लैक्टोमीटर दूध में पानी की मात्रा को मापता है क्या मैं कह सकता हूं दूध की डेंसिटी ज्यादा होगी पानी की डेंसिटी यानी कि पानी कहां जाएगा दूध कांच लिया जाएगा और यह चीज क्या है डेंसिटी यह चीज क्या है डेंसिटी लैक्टोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर दूध को घुमाया जाता है और घुमाने के बाद दूध में से पानी कांच लिया जाता है ऊपर दूध कांच लिया जाता है नीचे क्योंकि ये डेंसिटी की फेनोमिना है मैंने बताया था आपको पानी की डेंसिटी कम होती है दूध की डेंसिटी क्या होती है ज्यादा होती है ये पिछली क्लास वाले हैं सारे के सारे मैनोमीटर का प्रयोग गैस का दाब के लिए प्रयोग किया जाता है बादलों में वायुमंडलीय दाब जो होते हैं में तैरने का कारण क्या होता है बादलों का घंतव जो होता है तैरता है बादलों का घंतव क्या होता है कम होता है इसलिए वो तैरते हैं डेंसिटी के ऊपर है पंडुबी किस सिद्धांत पर कार्य करती है <coughs> आर्कमिडीज लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज नहीं डूबती जल्दी बताओ भाई मैं अगर इसको डाल लूंगा तो ये पानी में डूब जाएगा लेकिन जहाज अरे अभी अभी तो करवाया भाई आर्कमिडीज का सिद्धांत भाई आर्कमिडीज ने यह बात बताई रे अरे बड़ी जो जहाज हो ने उसका नीचे भी उतना ही सरफेस बनाया ऊपर भी नीचे जितना है उतना ही आर्कमिडीज का सिद्धांत कहता है फिफ्टी फिफ्टी कर दो लेकिन लोह का तो ऐसा सिद्धांत को नहीं ना ऐसा लोह में तो ऐसा कौन ही ने लोह में ऊपर नीचे बराबर होता तो लो भी तैर जाता बोलो हाँ ना सोने के मुकुट को बिना क्षति पहुंचाए उसमें मिलावट का पता कैसे लगाते हम आपको करवाया था हमने। मिलावट का पता एक डेंसिटी बताई थी आपको सापेक्ष घनत्व किसी भी वस्तु की पानी के रिस्पेक्ट में अगर हम उसकी डेंसिटी को चेक करते हैं तो उसको क्या कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं बोलो हा है वायु में क्रिकेट बॉल का स्पिन स्पिनिंग मतलब मुड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसका आंसर बताओ इसका नहीं दिख रहा आपको तो आंसर बता दो चलो इसका मैं बताता हूं एक चीज बताता हूं इसका आंसर जो होगा वो होगा बर्नोली थ्योरी बर्नोली साहब थे उन्होंने क्या कहा था सुनना भाई दो मिनट के लिए सुना ये थ्योरी क्या थी कोई लिक्विड है ये किसी भी पाइप से जाता है या किसी भी एक दिशा में जाता है उसके ऊपर नहीं तो टेम्परेचर है और नहीं क्या है प्रेशर है जब ये एक दिशा में जा रहा होता है ना एक ही दिशा में जा रहा होता है तो इसमें जो एनर्जी जो होती है ना इस पानी में जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है नियत रहती है क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है यानी कि वह एनर्जी ऐसे फ्लो कर रही है कल है नहीं वो पाइप अड़े तट जा तो वो थोड़ी देर क्या कोशिश करेगी वह एनर्जी इससे फ्लो में जाने की कोशिश करेगी फ्लो तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी जैसे ही ये टूटेगा तो थोड़ी देर बाद फ्लो टूटेगा ठीक है यानी कि ऊर्जा नियत रहती है ऊर्जा नियत रहेगी बर्नोली थ्योरम कहते हैं द्रव के बारे में या फिर गैस में भी हो सकता है ये ठीक है तो ये बर्नोली के थ्योरम पर जो है कार्य करती है इसको भाई एक मिनट के लिए वेट कर लेना टाइम अभी है नहीं पूरी बर्नोली थ्योरम करवाएंगे कल बर्नोली थ्योरम मत करना अभी कल पूरी बर्नोली थ्योरम करवाएंगे नहीं समझ में आएगा एक मिनट में ठीक है चलो नेक्स्ट एक मिनट के लिए लगा देता हूं मैं एक और वो जो पेज है और क्लास भाई लंबी होगी बहुत ज्यादा मन लग रही है समुद्र तल पर वायुमंडलीय कितना होता है ये कल करवाया था मैंने आपको एक बार के बराबर होता है एक बार पहले तो मेरे को ये बताओ एक बार किसके बराबर होता है पानी पर तैरती वस्तु का बार भाई तैरेगी जब जब शून्य हो जाएगा सिंपल सी बात है शून्य हो जाएगा ठीक है किसी बर्तन या कपड़े की दीवार कब गिल्ली हो जाती है चलिए ये भी ये भी दो रह गए भी कल याद दुआ देना को एस यू फोर सैंड एड एस यू फोर सैशंसक बल और एसंसक बल ये भी मैं करवाऊंगा से ब्लैक बोर्ड पर लिखना ये भी सैशनस एसनसक कल करवा दूंगा मैं ठीक है ये करवाया नहीं है ताप बढ़ाने पर पृष्ठ इतना हो कम हो जाएगा क्रांतिक टेम्परेचर ये नहीं करवाया ये भी कल करवा दूंगा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ठीक है इसको भी करवा लेंगे यदि केसन अली की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए ये केसन अली वाला पर थ्योरम में करवाएंगे ये भी कर लेंगे ठीक है चलिएगा भाई इनको कल ही देख लेंगे बर्नौली थ्योरम इसकी पूरी करवानी पड़ेगी उसके बाद ये हो पाएगा क्लियर भाई तो एक मिनट के लिए आज के लिए समय ज़्यादा हो गया था इंग्लिश की टीचर जो है वेट कर रही हैं इसलिए आज के लिए यहीं से पर समाप्त करते रह बंद करने वाला कित गया तू ठीक है चलो